नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से तहसीकर प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचना कुछ इस प्रकार से है। पहली सूचना आ रही है, BEO परीक्षा का जो प्राप्तांक और कट ऑफ है, परीक्षा को 1.5 साल बीत गए लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ, जिसको लेकर के लगातार छात्र मांग कर रहे हैं और परेशान भी हैं। वहीं लेखा के 1841 पद खाली हैं और उस पर वैकेंसी 2016 से अब तक नहीं आई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि BCom करके इस भर्ती का इंतज़ार करते हुए इतना समय हो गया, किंतु अभी तक वैकेंसी का पता नहीं है और कब आएगी इसका भी स्पष्टीकरण नहीं है। तो अभ्यर्थी भर्तियों को लेकर के परेशान हैं। वहीं भर्ती के लिए करनी होगी विस्तृत तैयारी, यह बैंक विभाग की भर्ती की बात की जा रही है। पहले जो था स्पीड मायने रखता था बैंकिंग के सर्विसेज में, किंतु अब जो है हर सब्जेक्ट से, हर विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी वजह से आपको अध्ययन विस्तृत रूप से करना होगा सारे सब्जेक्ट का, तभी आपका अंतिम चयन हो पाएगा। आपको पता होगा कि बैंक की जो जॉब है आई हुई है और उसके लिए आवेदन चल रहा है। वहीं राज्य विश्वविद्यालयों एवं 11 संगठक महाविद्यालयों से इस बार PhD में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है, रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं इस तरह के विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या उससे संगठ कॉलेजों से PhD कर सकते हैं, उसके लिए जो है जल्द ही सूचना जारी होगी। वहीं ITI की सीटें भरना इस बार बहुत चुनौती का कार्य हो गया है। ITI में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन नहीं लेना चाह रहे हैं। लगभग 70% जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सरकारी कॉलेजों का विकल्प चुना है, जबकि 10% निजी और 20% दोनों तरह के विकल्प देने वाले अभ्यर्थी रहे हैं। कुल मिलाकर के प्राइवेट कॉलेजों की जो स्थिति है वह बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि इस बार सीटें भरने का नाम नहीं लेने वाली है, यानी कि भर सीटें पूरी हो नहीं पाएंगी जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। 87,000 आवेदक जो है में आवेदन किए हैं, ऐसा कुछ भी समाचार पत्रों में दिया गया है। वहीं छात्रों के सामने एक बड़ी समस्या आ रही है आधार कार्ड को लेकर के। 27,000 से अधिक स्कूलों में बच्चे प्रभावित होंगे। अचानक से आधार कार्ड अनिवार्य होने के कारण समस्या समाप्त नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों के पास बहुत से ऐसे हैं जिनके पास कि आधार कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन और आवेदन नहीं हो पाएगा और अभ्यर्थी परेशान होंगे। वहीं अब जो है निजी कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में जो सहायक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें योग शिक्षक प्रशिक्षक रखना अनिवार्य हो गया है, बिना उसके अब मान्यता नहीं मिलेगी, ऐसा आज के समाचार पत्रों में दिया गया है। यानी अब जो है योग शिक्षक हर विद्यालय के लिए अनिवार्य हो जाएंगे, जिससे योग शिक्षक का जो मान है वो बढ़ जाएगा और हर जगह जो है योग शिक्षक आपको मिलेंगे। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से क्लर्क के पदों पर लगभग 700 कुछ पदों पर भर्ती आई हुई है क्लर्क विभाग से। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वो जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कला, स्नातक, विज्ञान या समकक्ष डिग्री एवं कंप्यूटर संचालन की प्रवीणता होनी चाहिए, यह आज के समाचार पत्रों में दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हों क्लर्कीय विभाग में जॉब करने के लिए और इसमें योग्यता भी रखते हों, वह जो है आवेदन अपने इसमें कर सकते हैं। वहीं MA, MA को लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक कड़ा फैसला आया है, जिसमें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 70% प्रथम MA में अनिवार्य कर दिया है। यानी जो अभ्यर्थी प्रथम बार MA में 70% पाएगा वही MA जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर पाएगा, अन्यथा अन्य व्यक्तियों को MA करने में, MA करने में रोक रहेगी। और उसका रीज़न था कि लगातार MA करने वालों अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। वहीं राखी पर सौगात UP गवर्नमेंट का सभी प्रदेश के बहनों को, जिसमें कि उनको आज रात 12 बजे से कल रात के 12 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी कि उनको निशुल्क कहीं भी वो आ जा सकेंगी और जो है उनके किराया रोडवेज में नहीं लगे, उसकी जो नोटिस है वो जारी की जा चुकी है। तो आप सभी यह बात जानते हैं कि सरकार हर बार ऐसा करती है। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का प्रबुद्ध धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।